रिजर्व पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस सभागार कक्ष में रविवार को शाही ग्लोबल हॉस्पिटल द्वारा मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में वामा सारथी पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से सुमन जोगिंदर, धर्मपत्नी जोगेंद्र कुमार, पुलिस उप महानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में शिविर सफलतापूर्वक सम्पन्न किया गया, जिसमें लगभग 300 पुलिस अधिकारी कर्मचारीगण, आरटीसी महिला प्रशिक्षु और पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी तथा उनके परिजनों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शाही ग्लोबल हॉस्पिटल से डॉक्टर सीमा शाही, डॉक्टर ऋषभ गोयल, डॉक्टर संजीव सिंह, डॉक्टर मनमोहन बरनवार, डॉक्टर संतोष शंकर, डॉक्टर आशुतोष शुक्ला, डॉक्टर दिनेश सिंह, डॉक्टर अंशिका गुप्ता एवं शाही ग्लोबल के अन्य स्टाफ मौजूद रहे। इस दौरान शंकर नेत्र चिकित्सालय की टीम डॉक्टर आशुतोष शुक्ला के नेतृत्व में कंप्यूटराइज तथा मैनुअल दोनों तरफ से आंखों का चेकअप किया। शाही ग्लोबल हॉस्पिटल की एडवांस कार्डिस्ट टीम डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, डीएम कार्डियोलॉजी और डॉक्टर रितेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में हार्ट संबंधित बीमारियों का पूरी तरह से जांच किया तथा उनकी बीमारी का इलाज भी किया। इस अवसर पर एसवी क्राइम डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह, सीओ कैंपियरगंज, आईपीएस राहुल भाटी और पुलिस लाइन प्रतिसार निरीक्षक उमेश कुमार दुबे सहित अन्य लोग मौजूद होकर अपना स्वास्थ्य परीक्षण भी कराए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए शाही ग्लोबल हॉस्पिटल के डॉक्टर शिव शंकर शाही और डीआईजी एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने कहा, कई लोगों को हो रहा है, बहुत लोगों को कैंसर हो रहा है, कैसे डिटेक्ट कर सकता है अर्ली स्टेज में कैंसर हो रहा है, मतलब लास्ट स्टेज पता लगता है सर? देखो उसकी स्टेज स्क्रीनिंग करनी पड़ती है और हाई रिस्क फैक्टर स्क्रीनिंग के लिए आप हाई रिस्क अभी किडनी हिस्ट्री क्या कहते हैं तो सब जेनेटिक होते हैं, जाके भी अगर डिस्चार्ज आता है कोई ब्लीडिंग आती है तो कम अफेक्ट करना चाहिए, इसलिए लंग का कैंसर का सबसे पहले आपके श्रोताओं को मैं नमस्कार बोलता हूँ। मैं डॉक्टर शिव शंकर शाही, निदेशक शाही ग्लोबल हॉस्पिटल तारामंडल का हूँ। चूँकि कोरोना काल में एक साल से काफ़ी लड़ाई चल रही थी और सारे पुलिस के नौजवान बहुत बखूबी अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, लेकिन खुद अपने हेल्थ का चिंता किए बिना काम कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं उनका ही हेल्थ चेकअप किया जाए, क्योंकि अगर हमारे नौजवान सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। इसके थ्रू मैंने आज यहाँ पुलिस लाइन में मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया है, जिसमें हृदय से संबंधित बीमारी की पूरी तरह से सारी जाँच ईसीजी से लेकर सब हो रही हैं और नेत्र की सारी जाँचें हो रही हैं। हमारे यहाँ हड्डी के डॉक्टर आर्थोपेडिशियन आए हुए डॉक्टर संजीव सिंह है, ENT सर्जन डॉक्टर संतोष शंकर हैं, मेरी पत्नी डॉक्टर सीमा शाही खुद गायनेकोलॉजिस्ट है, डॉक्टर ऋषभ गोयल चेस्ट फिजिशियन आए थे,
उनके वाइफ पंचिका कैंसर के डॉक्टर थी आई हुई थी, डॉक्टर टी के सिंह पीडियाट्रिशियन आए हुए थे, डॉक्टर देवर्षि श्रीवास्तव यूरोलॉजिस्ट आए हुए थे, मनमोहन बनवाल हड्डी के डॉक्टर आए हुए, तो लगभग सारी विधाओं के डॉक्टर आए थे। खुद आकर सबका बृह चेकअप हुआ है, पूरी मरीज का पल्स, बीपी, शुगर और भी जो चीज़ें जाँच सारी जाँचें की गई हैं और प्रॉपर तरह से उनका देखभाल भी किया गया है। ये किया गया यहाँ पर अधिकारी भी आए थे, पुलिस विभाग के, हाँ पुलिस के अधिकारी कप्तान साहब खुद आए थे, उन्होंने अपना मल्टी पैरा मॉनिटर से अपना पल्स देखा, बीपी देखा, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी उसको देखा, चेस्ट की सारी जाँचें हुई, सर का हमारे अत्याधुनिक मशीनों से ईसीजी की जांच हुई जिसको डीएम कार्डियो ने देखा और एकदम सब कुछ नॉर्मल पाया गया। उसके अलावा एसपी क्राइम सर आए हुए थे, डॉक्टर एमपी सिंह और सीओ लाइन आए थे और लगभग ढेर सारे अधिकारी आए थे जो कोई एक ट्रस्ट था हमारे ऊपर कि हाँ चेकअप अच्छा होता है और ठीक होता है, तो इस कैंप में अधिकारी लोग भी अपनाकर हेल्थ चेकअप कराए हैं। हाँ ये शिविर अक्सर मैं लगाता हूँ क्योंकि हर सैटरडे मेरा कैंप पेरिफेरी में लगता है, इसमें मेरी पूरी टीम जाती है जो गांव में, जो दूर दराज जहाँ कोई पहुँच न पाए वहाँ लगाया जाता है और वहाँ से टेलीमेडिसिन के थ्रू हमारे सीनियर कंसल्टेंट यहाँ भी बातें कर सकते हैं, मरीज का इलाज यहाँ बैठे ही दूर दराज इलाज करते रहते हैं क्योंकि तो रूटीन है चलता रहता है। लेकिन पुलिस के जवानों के हेल्थ चेकअप में अक्सर लगवाता हूँ, भी कोरोना के पहले भी लगा था तो साल में एक दो कैंप लगाने का प्रयास था, कोरोना की वजह से टल गया था, लेकिन मैं बहुत धन्यवाद दूंगा हमारे आरआई साहब को और कप्तान साहब को, उन्होंने मुझे अनुमति दी और बखूबी सारे पुलिस के जवानों का, ज़्यादातर ट्रेनिंग की लड़कियां जो हॉस्टल में रहती हैं जिनके लिए शहर नया है, डॉक्टर अपरिचित हैं, उन सबका ढेर सारा चेकअप हुआ और ज़्यादातर लड़कियों को गायनी की प्रॉब्लम थी जिसको मेरी पत्नी डॉक्टर सीमा सिंह ने ठीक से चेकअप किया है और उनको दवा प्रोवाइड किया गया है, कराया जा रहा है। हमारे यहाँ पे वामा सारथी जो एसोसिएशन है हमारा, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश में जो ऑफिसर्स हैं उनकी वाइफ ये लोग संचालित करते हैं, तो उसके तहत हम लोगों ने पुलिस लाइन में आज हेल्थ चेकअप कैंप आयोजित किया है जिसमें डॉक्टर शाही डॉक्टर साहब जो हैं ये शाही ग्लोबल हॉस्पिटल से जो इनका है, इनके द्वारा और इनके जो बुलाए गए डॉक्टर्स के द्वारा यह कराया जा रहा है। इसमें नेत्र परीक्षण कराया जा रहा है पूरी तरह से सभी लोगों का, कार्डियो की सभी तरीके की जांचें हम लोग यहाँ करा रहे हैं और कैंसर स्पेशलिस्ट भी आए हुए हैं यहाँ पे, कई सारी जो हमारे रिक्रूट आरक्षी भी है, महिला आरक्षी भी है, पुलिस लाइन में जितने लोग हैं और साथ ही थानों के जितने लोग हैं, जो लोग निःशुल्क ये कराना चाह रहे हैं जो अपना चेकअप कराना चाह रहे हैं उनके लिए अच्छी सुविधा दी गई है। आगे भी इस तरह के हम लोग हेल्थ चेकअप कैंप कराते रहेंगे और डॉक्टर साहब को और शाही ग्लोबल हॉस्पिटल की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने पुलिस लाइन में इस तरह कार्यक्रम कराए हैं, पहले भी कराए हैं और आगे भी कराते रहेंगे और इससे पुलिस कर्मियों को बहुत फ़ायदा रहता है। पुलिस कर्मी जनरली बहुत टेंशन में नौकरी करते हैं और हैक्टिक नौकरी होती है उनकी, तो कई सारी बीमारीज़ भी उनको लगती है तो इस चीज़ का वो ध्यान भी नहीं दे पाते हैं। इसको लेकर के समय समय पर हम हेल्थ चेकअप कैंप कराते हैं ताकि अगर कोई उनको बीमारी हो तो डिटेक्ट हो जाए और उसका समय से हम लोग इलाज करा सकें। हमारे एसपी क्राइम और एसपी लाइन जो हैं, आरआई हैं हमारे, एएसपी साहब हैं, ये सब लोगों की टीम लग करके इसको जो है हेल्थ चेकअप कैंप को बहुत ही अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट कर रही है और जिसको सक्सेस भी हुआ है। काफ़ी 200 लोगों के आसपास लोग चेक करा चुके हैं जिसमें कई महिला आरक्षी भी हैं हमारी और पुरुष आरक्षी भी हैं और अधिकारी तक, जहाँ तक कि मैंने भी स्वयं ने अपनी नेत्र जाँच कराई है, तो बहुत अच्छा है और इसके लिए इनको पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। थैंक यू।